74 स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस 74वीं वर्षगांठ के अवसर पर सितारगंज कोतवाली में ध्वजारोहण किया गया। कोरोना महामारी के चलते इस बार 15 अगस्त धूमधाम से नहीं मनाया गया। इससे पहले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए। भारतीय परंपरागत रूप से हम 15 अगस्त को सभी जगह धूमधाम से मनाते हैं, आज़ादी का दिन। आज हमने सभी पूरे ज़िले में क्या पूरे देश में 9 बजे का टाइम रखा गया था ध्वजारोहण का, और परंपरागत रूप से यहाँ थाने में भी ध्वज फहराया गया है, राष्ट्रीय झंडे को ये सलामी दी गई। इस पर यही है मैसेज कि हम अपने अधिकारों से पहले अपनी ड्यूटीज़ को देखें, कर्तव्यों को देखें, और लाखों लोगों ने, हमारे बाबा और दाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि इस मुल्क की सलामियत के लिए हम तैयार रहें। आज जैसे दुश्मनी का माहौल बना हुआ है जहाँ तहाँ, या आपस में हमारी कोई फिरकापरस्ती या दुश्मनी आपस में ना हो, हम सब मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करें, क्योंकि जिस चमन को सींचा है लहू से, हम कैसे करवा लें बर्बादी। बर्बादी नहीं, मुश्किल से मिली है आज़ादी। इस आज इस मुबारक मौके पर मेरी यही देशवासियों को लेकर आऊँ। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरे परिवार की ओर से।